हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है प्लेसमेंट ऑफ लाइट इन वॉल सीलिंग। हम ड्राइंग रूम, वॉशरूम, लाइट आइडियाज़ के बारे में बात करेंगे। अगर आपने ये पता लगा लिया कि आपको आपके घर के अंदर कैसी लाइट्स लगानी है, तो आपका घर भी उतना ही सुंदर लगेगा जैसे कि आप पिक्चर्स में देखते हो, इंटरनेट पर शानदार तस्वीरें देखते हो। तो हम लाइट प्लेसमेंट करने के लिए दो चीज़ों को ध्यान देंगे, पहला कौन सी लाइट और दूसरा किस जगह पर लाइट लगाना है। तो फर्स्ट कौन सी लाइट में क्या आता है कि फर्स्ट होती है, पहली होती है स्पॉटलाइट और दूसरी होती है फॉल सीलिंग लाइट। अब स्पॉटलाइट में क्या होता है, उसका काम होता है कि वो कोई भी चीज़ को फोकस में लेके आता है, जैसा कि इस पिक्चर में दिख रहा है। इन्होंने स्पॉटलाइट लगाई है सीलिंग पे, तो उस वजह से उनकी पिक्चर और वॉल कितने अच्छे से हाईलाइट हो रही है। तो यही चीज़ स्पॉटलाइट करती है। हमने हमारे घर में अगर पैनलिंग करवाई है, फिर कोई भी वॉल डेकोर करवाया है, और अगर कुछ भी नहीं करवाया है, तो स्पॉटलाइट का काम होता है कि वो वॉल को और भी ब्यूटीफुल दिखाती है। तो जैसे कि इस पिक्चर में शो किया है, इन्होंने जो सीलिंग लाइट लगाई, इसमें सीलिंग लाइट का यूज़ हुआ है, तो इसमें सीलिंग लाइट इन्होंने फर्नीचर पर डाली है, तो उसी से इतना अच्छा लुक आ रहा है। अब वॉशरूम के केस में देखा जाए तो इन लोगों ने कॉब लाइट का यूज़ किया है, जो कि स्पॉट लाइट के सिमिलर होती है, उसका काम भी फोकस करना होता है। इन दोनों पिक्चर्स में कॉब लाइट का यूज़ हुआ है वॉशरूम में। इन्होंने इस पिक्चर में भी कॉब लाइट का यूज़ किया है, जो पिक्चर को इन लोगों ने हाईलाइट किया है। अब स्पॉटलाइट और कॉब लाइट इतनी अच्छी दिखती है, तो आप सोच रहे होंगे कि इसको पूरे घर में ही लगा दें, पर ऐसा नहीं है। जो स्पॉटलाइट और जो कॉब लाइट होती है, इन दोनों का काम क्या होता है, कोई भी चीज़, पर्टिकुलर चीज़ को फोकस में लेके आना। तो आप इसको पूरे घर में नहीं लगा सकते, क्योंकि ये अच्छे से लाइट नहीं दे पाएगी आपको। अगर आप पूरे घर में स्पॉटलाइट लगा देंगे, तो इस वजह से आपके घर में अंधेरा रह सकता है, और इस वजह से एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन होने के चांसेस होते हैं। तो पूरे घर में तो आपको कॉब लाइट नहीं लगाना है। सो अब बात करते हैं आपको किस तरीके की लाइट आपके पूरे घर में सीलिंग में लगाना है। तो आप अपनी पूरी सीलिंग में लाइट जो लगा सकते हैं, उसे कहते हैं सीलिंग लाइट। सीलिंग लाइट का काम होता है पूरे रूम को रोशनी देना, और स्पॉट लाइट और जो कॉब लाइट होते हैं, इन दोनों का काम होता है कोई भी चीज़ को हाईलाइट करना। तो ये दोनों मिलके बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। कॉब लाइट जो होती है वो घर को थोड़ा सा और सुंदर बनाती है, और सीलिंग लाइट जो होती है वो पूरे घर को रोशनी देती है। और ये दोनों मिलके, सीलिंग लाइट और कॉब लाइट, रूम को बहुत अच्छा लुक देते हैं। तो अब हम बात करेंगे सीलिंग लाइट की। सीलिंग लाइट का काम क्या होता है कि वो पूरे घर में अच्छे से लाइट को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जिससे कि आपके घर में एक चेयरफुल फील आता है, एक अच्छा वेल लेट अप फील आता है। सो अब हम जानेंगे एक ड्राइंग की हेल्प से कि कॉब लाइट और सीलिंग लाइट दोनों का कैसे कॉम्बिनेशन करें कि वो अच्छा लुक आए अपने वॉशरूम या फिर लिविंग रूम में। तो अब बात करते हैं वॉशरूम फॉल सीलिंग की। सो स्क्रीन पर आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, जो कि एक वॉशरूम की पिक्चर है, जिसमें कि डब्ल्यू सी है और साइड में वॉश बेसिन है। सो अब बात करते हैं कॉब लाइट की। तो कॉब लाइट को आप लगा सकते हैं वॉश बेसिन के ऊपर और डब्ल्यू सी के ऊपर। सो ये नेक्स्ट पिक्चर है, जिसमें कि वॉश बेसिन है और बाथ टब है। तो आप सीधे वॉश बेसिन के ऊपर सीलिंग पे स्पॉटलाइट लगा सकते हैं, और टब के ऊपर भी। तो इससे आई एम डैम श्योर आपके वॉशरूम का बहुत अच्छा लुक आएगा। और जो बाकी स्पेस बचेगी, उसमें सीलिंग लाइट लगा सकते हैं। सो अब बात करते हैं लिविंग रूम फॉल सीलिंग की। लिविंग रूम पे किस जगह पर लाइट सही रहेगी, जैसे कि इस पिक्चर में शो किया है लिविंग रूम का लेआउट, की जगह पर रेड मार्किंग होगी, उस जगह पर आप स्पॉटलाइट और कॉब लाइट लगा सकते हैं। सोफे की तीन सेंटर पे, सेंटर टेबल पर, आपका एक सिंगल काउच है उस पर, मैट की दोनों साइड पर, और नीचे फर्श पे जो रेड मार्किंग हुई है वो है सीलिंग लाइट के लिए। सेंटर टेबल पे एक अच्छा सा शैंडलर भी आ सकता है, और यहाँ पर हमारी सबकी सिमेट्री अच्छे से क्रिएट भी हो रही है। जैसे आप ब्लू मार्किंग देख सकते हैं उसमें, वो है, वो ब्लू मार्किंग ये बता रहा है कि अच्छे से सिमेट्री क्रिएट हो चुकी है। तो अब बात करते हैं सीलिंग लाइट की। जो येलो मार्किंग आप देख रहे होंगे, ये है सीलिंग लाइट सारी। आप इस तरीके से सीलिंग लाइट लगा सकते हैं, और इसमें परफेक्ट सिमेट्री भी बन रही है सारे लाइट से। सो अब हमारा रूम वेल लाइटअप और वेल अपीलिंग ड्राइंग रूम बन चुका है। अगर आप भी ये मेथड फॉलो करते हैं, तो आपका घर बन सकता है लग्जीरियस।
आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।